वेलकम बैक टू द हसनपुरी व्लॉग्स। और अब हम सुबह सुबह जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर नवीन डॉक्टर साहब के साथ। उत्तम भी जा रहा है, रुंदर शत्रुघ्न भी आ रहा है। हाय गाइस, जहाँ से हम कुछ सामान लेने जा रहे थे ना, वो जगह थोड़ी दूर है, तो उसके लिए हमें कार से जाना पड़ेगा। तो जाने वैसे सुबह सुबह नवीन की छाती में दर्द हो रहा है, तो इसको डॉक्टर के भी दिखाना है। यहाँ से हमने टर्न लिया है और यहाँ से मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के साइड से टर्न लेनी है। जोर से बोल, जोर से नहीं बोल ही ना सके। क्या क्या कह रहे थे भैया? भाई हम इससे कह रहे हैं कि वो लोग शूट करें तो जोर से बोलना कर, आवाज तत्ती नहीं, आवाज आनी सी। ठीक है, सब्सक्राइबरों की एक शिकायत आई। तो ये शिकायत आई है सब्सक्राइबर्स की। ओ भाई साहब, वो रे बॉयस है, वो कुछ और पेड़ है, वो ही है। कौन से? ये अलग है, वो अलग है, ये डॉक्टर। चलो तो ये बढ़िया ना है, ये तो खिले हुए हैं। ये पैदल चलता चलता ईट तो ईट कर खड़ी कर दे। समझ नहीं आ रहा, ये भटकते रहते हैं। देखो शायद ये सफाई कर रहे हैं रोड की, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। शत्रुघ्न, आप कुछ कहना चाहोगे सब्सक्राइबर्स को? मैं सिर्फ कहना चाहूंगा कि भाइयों को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद लोग सब। सुबह सुबह देख रहे हैं कट्टा लेके, इसमें पता नहीं क्या करने लग रहे हैं, चोरी कर रहे हैं पेड़ों की, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। ये शायद कबाड़ साफ हो या कोई जो अड़ंगा वगैरह होता होगा ना, वो चुग रहा है। स्वच्छता अभियान, ओ स्वच्छता अभियान के तहत इन्होंने कार्यक्रम शुरू किया आज, तो यहाँ के आसपास की पूरी सफाई करेंगे आज। ये लगता है हम ना आगे आ गए थे, लेकिन एक चीज बहुत दूर, हम बहुत आगे चले गए थे लेकिन एक चीज भूल गए थे, गाड़ी किसी ने लॉक नहीं की, शीशे एकदम खुले हैं। तो इतनी मूर्खता कैसे दिखा सकते हैं हम। ओहो गाइस, मेरे को पता है क्या अपॉर्चुनिटी दे दी, गाड़ी आगे लिया, और मेरे को गाड़ी बिल्कुल चलानी नहीं आती, इनको ये नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा।
कोई पानी का ये, और इसमें इतनी सारी भैंसे बिना इनको बांधे हुए सीधा घूमेंगी इसमें। यहाँ ये खाना भी खा लेती हैं अपना, और फिर उसके बाद नहाना होता है तो इसमें नहा लेती हैं। तो देख रहे हैं कितना अच्छा व्यू लग रहा है, सारी भैंसे एक पेड़ के नीचे। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे क्योंकि छाया होंगी तो वहीं पे जीव जंतु ज़्यादा आएंगे, पशु पक्षी आराम कर सकते हैं, और पानी भी एकदम साइड में है। बिल्कुल टूटे हुए हैं, तो मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी रोड बनवाएं, क्योंकि हमारी गाड़ी ऐसी है कहीं खराब ना हो जाए पंचर वगैरह। फिर यहाँ रुक चुके हैं, यहाँ भी अच्छी अच्छी हरियाली है, और शत्रु यहाँ अपने काम पे लग चुका है। तेज बाइक ना चलाएं, ये देख पूरे रोड के साइड से कितने मस्त कटिंग कर रखी है इन पेड़ों की, तो ऐसे हेज बना सकते हैं आप भी। और ये कहाँ पे जा चुके हैं भाई, नीचे देख के चलना, सांप वगैरह निकल सकते हैं। और यहाँ पे डॉक्टर के बहुत सारे पेड़ मिल चुके हैं जिनसे तेल निकालेगा। इधर कर बेटा ट्री साइड थोड़ा। सो गाइस यू कैन सी दिस प्लांट, दिस इज हाईली इनवेसिव एंड नाउ वी आर गोइंग टू प्लक द फ्लावर्स ऑफ दिस प्लांट एंड वी विल प्लक द फ्लावर्स एंड वी विल एक्सट्रैक्ट एसेंशियल ऑयल फ्रॉम दैट। एंड सर व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस प्लांट? दिस प्लांट वी कॉल Verbena ansulidis. What is the family of this plant? Plant belong to Asteraceae family. So guys, जब हम यहाँ से जा रहे हैं, हमारा काम हो चुका है यहाँ पे। देख रहे कितना पूरा बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ, चारों तरफ हरियाली हरियाली, और पीछे हमारे पूरा पानी, और इधर ये अपना काम करते हुए। चलो निकलते हैं अभी यहाँ से, अब इनको ना जाने का रास्ता नहीं मिल रहा किधर से जाना है। अब बियर ग्रिल्स आ गए मैं, तो आइए शुरू करते हैं। चलो शत्रु के पीछे हो लो, ये अपने आप लेके जाएगा हमें जंगल में। जब कभी आपको ऐसी
तो कहाँ से निकले? सबसे पहले ऊंचाई की तरफ जाइए। अच्छा, ऊंची चोटी पे जाके आप देखेंगे कि रास्ता। मुझे फॉलो कीजिए दोस्त। देख रहे, इसको जल्दी डिस्कवरी वाले बुलाएंगे वीडियो देख के। इस भारी भीड़ में आपको बिल्कुल कदम आराम आराम से रखने हैं। बहुत तरह के जीव जंतु यहाँ पे पाए जा सकते हैं। दोस्तों, पीने का पानी मिल गया। लेकिन ये पानी गंदा है, तो हम इसको पहले गर्म करके उबालेंगे। यहाँ गर्म कैसे करेंगे? गर्म करने के लिए हम धूप में रख सकते हैं इसको। इसको पहले भर लो बर्तन में गर्म। मैं रूम के रूम के रूम में। और डॉक्टर गुम हो चुका है अंदर झाड़ी में। दूर चलने के बाद हमें पक्की सड़क मिल गई है। और यार शत्रु ने हमें सड़क दिखा ही दिया आखिरकार, तो बाहर निकाल लाया गहरे जंगल से। भाई कांटा चला लिया चप्पल में। और इसकी चप्पल में कांटा लग चुका है। कांटा कदम फूक फूक के रखा है। देख रहे हैं वो भी इतना बड़ा कांटा। और अब हम वीडियो को ज्यादा और नहीं आगे शूट कर सकते क्योंकि बैटरी हो चुकी है खत्म मोबाइल की और लाइट इसकी कम हो चुकी है।